काला कोट पहन लेने से कोई वकील नहीं बन जाता लड़की। अरे अदालत में तेरी बात सुनेगा कौन? आज हमारी आवाज में पापा की चिंता, माँ और बड़ी दादी की प्रार्थना, आपका आशीर्वाद और हमारे प्यार की ताकत भी मिली होगी। और इतनी ताकतवर आवाज को तो अदालत की खिड़की, दरवाजे और दीवारों तक को सुनना होगा नानी। उन्हें अर्जुन को रिहा करना ही होगा। कई अर्जुन को केस हारवाएगी। हम और अर्जुन एक है। कोर्ट में बोलेंगे हम, सच उनका होगा। दिखेंगे हम, साथ विश्वास उनका होगा। वकील केस हार सकता है, पति का पत्नी पे विश्वास नहीं हार सकता। सुहागन मर सकती है, ये सिंदूर नहीं हार सकता। आज कोर्ट में जीत हमारी तय। जय माता रानी। खुश रहे बेटा। जय माता रानी। मां, पुलिस अर्जुन को कोर्ट ले जा रही है, हमें भी चलना चाहिए। चलिए मां। चलो बेटा। आप चलिए, हम आते हैं। बिटवा, तू एकदम में चिंता ना कर, तेरा केस ना मिश्री लड़ेगी। स्टिंजी गुरु? हाँ, बस आने वाली है। मम्मी, आज के इम्तिहान के रिजल्ट की गारंटी हमें अभी से चाहिए। प्लीज प्लीज आशीर्वाद देने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। साथ देना मम्मी, प्लीज प्लीज साथ देना। सकती है लेकिन हार नहीं सकती, तो अब तू मर, मर जा। मैं यहां मिश्री का इंतजाम करती हूं, आप वहां मिश्री के खिलाफ सबको अच्छे से भड़का दीजिए। तुम्हें
मिश्री अब तक आई क्यों नहीं? आएगी भी ना अम्मा? अरे काहे कि उनको एहसास हो गया होगा ना कि घर माँ पटर पटर करना बहुत ही आसान है, मगर कोर्ट माँ खड़े होके केस लड़ना बहुत ही मुश्किल। बड़ी अम्मा, जज के सामने बोलना आसान काम नहीं होता, सबकी बोलती बंद हो जाती है छो की। हमेशा तीली लगाई को तत्पर, बहुरिया आएगी और जरूर आएगी। ए बेटा, फोन करके पता कर कहाँ रह गई मिस। अभी अभी लगा दो। अर्जुन अवस्थी के केस की सुनवाई शुरू की जाए। देखिए, अगर आपके वकील थोड़ी देर और नहीं आते तो जज साहब इन्हें सीधे सजा सुना देंगे। मुझे जेल नहीं जाना। ऐसे कैसे आ ही रही है, बस आ जाए। पांच मिनट। देखिए वो रास्ते में ही है, बस पहुंचते ही होगी। बड़ी दादी अभी फोन ही उठा रही है। कहाँ रह गई वो? तेरे बचने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए मिश्री। आज वहां अर्जुन को सजा होगी और यहां तेरी मौत। केस की सुनवाई शुरू की जाए। अशुत बेटा, मिश्री का फोन लगातार है। भाभी फोन उठाइए। अब मरने के अलावा तू कुछ भी नहीं कर सकती मिश्री। आज तू भी खत्म, तेरी और अर्जुन की कहानी भी। अर्जुन, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं टाइम पे आ गई। मैं अर्जुन के लिए मंदिर गई थी, सबके लिए प्रसाद लाई हूँ, ये लीजिए। जय माता। लो। नानी, रुकिए, इन्हें कुछ नहीं खिला सकते। नानी, मिश्री कहाँ है? मैं उसे भी प्रसाद दे देती हूँ। पहुंची नहीं अब तक। क्या अभी तक नहीं आई? केस की सुनवाई शुरू की जाए। बात समझने की कोशिश कीजिए, जज साहब नहीं मानेंगे। थोड़ी देर और रुक जाइए, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ दो मिनट, भाभी आती ही होंगी। इस मिश्री ने एक बार फिर से अर्जुन को धोखा दे दिया, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हम जानते हैं हमारी बहुरिया कोनो मुसीबत में है, इसे नहीं आई पर आएगी जरूर।
मुझे बचा रही नहीं आएगी क्या? अगर हम इस आग में चले ना मम्मी, तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार की खुशी, हमारे अर्जुन का भरोसा भी जलकर खत्म हो जाएगा मम्मी, और सारा का सारा इल्जाम आप पर आएगा। आपको हमारे कसम साथ दीजिए मम्मी। इंतजार कर रहे होंगे, अब हम क्या करें? योर ऑनर, मिस्टर अर्जुन अवस्थी इस शहर के जाने माने वकीलों में से एक है, कानून बाखूबी जानते हैं और ऐसे केसेस तो बहुत लड़े होंगे उन्होंने। हाँ, आजकल इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, लेकिन खून तो इन्हीं के हाथों में से हुआ है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है योर ऑनर के तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। थैंक यू। जजंगल नहीं, जजंगल प्लीज, मैंने जानबूझ के गोली नहीं चलाई थी। वो बताइए ना दादी, माँ पापा बोलो ना, वो गलती से चल गई थी और वो श्री जगुल को मार देने वाला था, वो बैटमैन था, मैंने जानबूझ के गोली नहीं चली। जी हाँ जज साहब, अगर अर्जुन उस बदमाश के हाथ से बंदूक नहीं छीन लेता तो वो हम सबको मार देता। प्लीज आप अपनी जगह बैठ जाइए। जज साहब, मेरा बेटा खून ही नहीं है, जो हुआ वो तो बस एक हादसा था। ऑर्डर ऑर्डर, आप सब लोग बैठ जाइए। मुजरिम की तरफ से सिर्फ उनके वकील बोल सकते हैं, आपके वकील कहाँ हैं? योर ऑनर, आपकी वकील पूछे, मिस्टर अवस्थी की पत्नी ही ये केस लड़ने वाली थी, लेकिन शायद शहर के बाकी वकीलों की तरह उन्हें भी पता चल गया कि इस केस में कोई दम नहीं, इसलिए भाग गई। अगर आज भी मिश्री नहीं आई ना, तो कह देना उससे कि हमारे सामने नहीं आए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। शांत हो जाए। अर्जुन और मिश्री की कहानी कांड इस तरह होना है मम्मी? अब अपने बेटे के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करोगी? ठीक है, अगर यही आपका फैसला है तो सॉरी मम्मी, आपको आपके फैसले को बदलना होगा। प्लीज प्लीज मम्मी, अर्जुन तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखा दीजिए। अब आपकी बेटी है मम्मी, इतना हक तो बनता है।
अदालत मिसेस अवस्थी के लिए और नहीं रुक सकती। नहीं नहीं जज साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ा सा समय हमें दे दिया जाए, हमारे हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल। हाँ जज साहब, प्लीज हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए प्लीज। हाँ जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर, आप सब लोग बैठ जाएं। योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन वकील साहिबा को अदालत की वक्त की परवाह नहीं, उनके लिए कार्रवाई रोकी ना जाए। जज साहब, ऐसा अदालत मत कीजिए प्लीज, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। ऑर्डर ऑर्डर, आप सब लोग बैठ जाएं। जज अंकल, मेरी स्त्री जी को बहुत बहुत गुड गर्ल है। अगर मैच होती है ना बास्केटबॉल की या बैडमिंटन कोर्ट, सारे कोर्ट में वो टाइम पे पहुंच जाती है। फिर वो आपके कोर्ट में लेट क्यों आएगी? वो जरूर किसी प्रॉब्लम में। आ जाएगी, हमेशा आ जाती है ना माँ, है ना? बताइए आप। जज अंकल, वो कहती है कि मैं भी एक लॉयर था, एक अच्छा लॉयर था, सच के लिए लड़ता था। तो आपने भी मेरा एक केस देखा, पर अभी मेरी तबीयत अच्छी नहीं, तो मैं फाइट नहीं कर सकता। आप मुझे इस फाइट में 5 मिनट्स के लिए हेल्प कर देंगे प्लीज? उसके बाद आप जो सजा देंगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं ब्रेव बॉय हूं। कुछ नहीं बोलूंगा, पर पनिशमेंट ही तो है, आइसक्रीम थोड़ी ना जो 5 मिनट में पिघल जाएगा, प्लीज। और 5 मिनट वेट कर लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू जज साहब। मुजरिम अर्जुन अवस्थी, तमाम सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए यह अदालत कत्ल के जुर्म में आपको फांसी। मासी, मुझे बहुत बोर हो रहा है, कुछ तमाशा करूं क्या? जज साहब, प्लीज आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। नहीं जज साहब, अर्जुन बिल्कुल बेकसूर है, असली कसूरवार वो मिश्री है। ए, तू भाई चल। अनु अनु सही कह रही है जज साहब, मिश्री ना हमारे अर्जुन को खा गई, राम भला करे। यशोदा क्या बोल रही है, चुप रहो। काहे को चुप करे? अरे अर्जुन करे तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, काहे ना बोले? भगवान के लिए चुप हो जाओ। नहीं चुप होंगे, हमारा अर्जुन इतना मासूम हूँ मिश्री डायन, जज साहब आपको पता नहीं हूँ कैसी है। ऑर्डर ऑर्डर, आप सब लोग बैठ जाइए। अदालत अपनी कार्यवाही अब और नहीं टालेगी। मुजरिम अर्जुन अवस्थी, तमाम सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए यह अदालत
कत्ल के जुर्म में आपको फांसी। आपको फांसी। रुक जाइए जज साहब। भाभी गड़बड़ तेरी वजह से हुई है, आज हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। पागल हो गई क्या? चिल्ला मत प्रिया, आज तक सारी गड़बड़ तेरी वजह से हुई है, आज हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। टीचर गर्ल।